हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे बटरफ्लाई स्लीव डिजाइन, कैसे हम उसकी कटिंग करेंगे और कैसे हम उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने स्लीव कट कर लेनी है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव कट करते हैं, लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक और कट करना है फ्रेंड्स। इसकी ही हम बटरफ्लाई जो सेफ देंगे वो हम इसी फैब्रिक की देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फैब्रिक हमने राउंड सेफ में कट किया है इस तरह से। जैसे हम फ्रिल वाली बाजू बनाते हैं उसी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हिस्सा हमारा बाजू के बराबर है और जो ये हिस्सा है हमारा ये थोड़ा सा बड़ा है। इसकी कटिंग हमने राउंड सेफ में देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स इस फैब्रिक को हमने यहाँ से फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा इसको फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है पूरे फैब्रिक पे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा हमने इसको फोल्ड करना है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे फैब्रिक पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने इस फैब्रिक को अपनी स्लीव पे अटैच करना है। तो देखिए उसके बाद फ्रेंड्स, हमने इस फैब्रिक को अपनी स्लीव पे अटैच करना है। स्लीव हमने सीधी रखनी है और फैब्रिक को हमने इस तरह से उल्टा रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इस फैब्रिक को बाजू की सीधी तरफ फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे भी हमने एक पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई लग गई है। उसके बाद हमने फैब्रिक को बाजू पे इस तरह से अटैच करना है फ्रेंड्स। दोनों कॉर्नरों पे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ताकि जो हमारा ये डिजाइन है ये हमारी स्लीव से सरके नहीं। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फैब्रिक है इसकी हमने सेप देनी है बटरफ्लाई वाली। उसके लिए हमने सुई में धागा पिरोना है और इस तरह से हमने छोटे छोटे टाके हैं जो वे फैब्रिक पे लगा लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने धागे की सहायता से फैब्रिक को इकट्ठा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने यहाँ पे बटन को लगाना है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसमें रेडीमेड भी बटन लगा सकते हो। इस तरह से आप अपने सूट का मैचिंग कोई भी बटन इसमें यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का हमने बटन लेना है या आप शर्ट का बटन भी ले सकते हो। उसके बाद हमने इस तरह से
फैब्रिक पे बटन को इस तरह से लगा लेना है और धागे की मदद से हमने इसको अच्छे से लॉक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको लॉक कर दिया है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडीमेड बटन तैयार हो गया है। आप इसमें कोई भी बटन यूज कर सकते हो अपने सूट के मैचिंग के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स से। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीव पे हमने बटन को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।